रास्ता पूछते हुए इधर आया तो पता चला ये इलाका अलवर का तिजारा इलाका है, जहाँ से बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, जो अलवर के सांसद हैं। बीजेपी ने जैसे 7 सांसदों को पहली लिस्ट में उतारा, उसी में एक अलवर के सांसद बालकनाथ को भी उतारा है, और उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर इमरान खान हैं, जो बीएसपी के नेता रहे हैं, 2019 में भी चुनाव लड़े हैं और इस बार भी बीएसपी के उम्मीदवार थे, बनते बनते कुछ घंटे के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन ये तिजारा एक हॉट सीट हो गई है। तो मैं तिजारा से भी गुजर रहा था, तभी सड़क के किनारे ये प्याज के किसान दिखे मुझे, जो प्याज की खेती आप ही लोगों ने की है खेती ये, तो मुझे ऐसे भी खेतों के बगल से गुजरता हूँ कभी, किसानों को देखकर तो दिलचस्पी होती है, ज़रा किसानों की बात की जाए, उनसे बात की जाए। ये प्याज की खेती करने वाले किसान हैं, इधर की तस्वीर दिखाइए मेरे की बजाय, उधर फोकस करिए। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए जा रहे हैं जयपुर, तो ये दिख गए आप लोग, तो मुझे लगा कि ज़रा किसानों की बात की जाए, दिखाया जाए। ये सब आप ही का खेत है पूरा, ये खाना उना चल रहा था लगता है, वहीं से दिख रहा था हैं। कितना प्याज हुआ है ये जो है, जब जाएगा जब पता चलेगा है, बताएं कितनी प्याज धारी आप बताओ। हाँ, 150 मन। 150 मन तो कितनी कितना खेत है आपको? 2 बीघा। तो दो बीघा में 150 मन हुआ है जी। तो ये अभी बाकी जो ये प्याज है ये भी उखड़ेगा, अभी सब पूरा उखड़ेगा। और ये सब महिलाएं आपके परिवार की महिलाएं? परिवार के सब। इधर आ जाइए। तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं खेत में, चुनाव उनाव का टाइम है ऐसे घूमते। तो प्याज बहुत खराब भी हुआ लगता है, हैं? है थोड़ा बहुत खराब है। तो ये अभी क्या कर रहे हो, जैसे थोड़ी सफाई कर रहे हो जो अच्छा प्याज है, है? खराब प्याज की छटनी हो रही है। तो फिर उसके बाद प्याज को कहाँ मंडी पहुँचाओगे? कैथल मंडी पहुँचाएंगे। कौन मंडी? कैथल। अलवर जिला हुआ ना, खैरतल बन गया अब हमारा जिला। अच्छा, ओ हाँ, अरे इतना जिला बना दिया अशोक गहलोत ने कि पता ही नहीं चल रहा है, 33 जिला से 50 से जिला पार हो गया। हाँ, अलवर से निकल के एक नया जिला बन गया, खैरतल। हाँ, अब वो नया जिला बन गया है। तो बहरहाल, लेकिन ये विधानसभा तिजारा हुआ, तिजारा में हुआ। तो ये सब प्याज ये लगाए कब, प्याज लगा कब खेतों में? ये लगा था नवंबर में। तो अभी चल ही रहा है। हाँ। तो नवा महीना बोला क्या? अच्छा, नवा महीना। हम के यार नवंबर क्यों बोल रहे हैं? तो ये जो है प्याज वाले भाई साहब, अब ये बताओ, पत्रकार हैं हम तो बात करेंगे घुस के आप लोगों से। तो जैसे जितना देखो बेचारे अपना, ये कुछ चना चबेना भी है दालमोट टाइप का, उधर कोल्ड ड्रिंक भी दिखा, और इधर इनका कुछ और दिख गया है, सुट्टा भी। ना, सुट्टा नहीं दिखाया जाता है। हाँ, और खेत में देखिए काम कर रहे हैं, उधर पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ कौन चीज़ की खेती हो रही है? उधर सरसों की बुआई हो रही है। और तो यहाँ ये जो इलाका है, यहाँ क्या क्या खेती होती है? गेहूँ, सरसों, चने, जौ, सब कुछ होता है। आप उधर से जाओ, ये दिखाओ सब, गेहूं, चना, सरसों, जौ। आप जैसे अभी प्याज निकाल लिए, अब इस खेत में क्या लगाओगे? गेहूं लगाओ। हाँ जी। और उसके बाद फिर तीसरी फसल लोगे? उसके बाद में फिर बाजरा बोएंगे। तो एक साल में कितनी फसल लेते हो? 3 फसल लेते हैं, प्याज, गेहूं और बाजरा। हाँ जी। तो सबसे अधिक आपको फायदा मुनाफा किस में होता है? सरसों में। हाँ जी। तो आपने बोला गेहूं, बाजरा, प्याज लगाते हो, सरसों कब लगाते हो? सरसों भी लगाते हैं। ये बो रखी है। अच्छा, बगल में सरसों बो रखी है। तो सरसों की MSP अभी क्या है? MSP पे बेचते हो क्या, कम पे बेचते हो? MSP भी नहीं है, तिजारा नहीं, इधर नहीं है। आप भी आगे आ जाओ ना, इधर थोड़ा दूर से माइक नहीं पकड़े है सब। एक ही परिवार के लोग हो आप लोग? एक ही परिवार के हो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आपका? रमेश चंद। आप इधर आ जाओ ना, आप इधर आ जाओ, बात कर। देखो हम तो आ गए, आपने खाना तो खा लिया आप लोगों ने। हाँ। तो हमें तो रोटी मिलेगी भी नहीं, सब खा लिया आपने। रोटी भी मिलेगी, घर लाए आप लोग, रोटी मिल जाएंगी। मिल जाएगी रोटी। आप रोटी दे दोगे तो हम तो ऐसे प्याज के साथ रोटी खा लेंगे। नमक, प्याज, रोटी, बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी, मिलेगा। अच्छा। तो प्याज, रोटी कहाँ है?
ये टिफिन बचा है कि खा गया सब? खा गए इनको तो, खा गए ये भाई सब कह रहे खा गए। तो ये बताओ ये कैसे सब पैर से ऐसे ऐसे छिला ये करते हो, जो खराब है उसको छांटनी करते हो? करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये बहुत मेहनत का काम से। हाँ मेहनत का काम तो है ही है, मेहनत का काम तो हम तो काम मेहनत का काम तो है। अब मैं जूते खोल लेता हूँ, नहीं तो ये प्याज खराब होगा। एक मिनट जूता खोलने दो मुझे। अब देखो 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 ये भाई साहब ले आया कोल्ड ड्रिंक ऐसे। बच्चों को दो, बच्चों को दो, बच्चों को दो, तो बच्चों को दो, बच्चों को दो, मेरा फोन देखना। तो मैडम ये बताओ ये सब एक ही परिवार है? हाँ एक ही से, ये पांच भाई हैं कुंभों से। पांच भाई कुंभे में तो परिवार में से हैं ये पांच भाई हैं कुंभों से, जब सब रल मिल के कर तो सब। ये भाई यहाँ कौन कौन हुए हैं? आपकी गोतनी हुई मतलब भाऊ से कोई देवरानी से? सब में पटती है, झगड़ा तो नहीं करते आपस में? ये ऐसे ऐसे लठ मार बूढ़ी हैं तो ज्यादा मालूम दे अब बूढ़ी तो काम ही करे और क्या करे। है? ये बताओ प्याज मंडी में कैसे जाता है? ये ट्रैक्टर लेके जाते हैं? नहीं नहीं मंडी मण के हिसाब से। हाँ वही भाव पूछ रहे हैं, कैसे चल क्या चल रहा है? फिलहाल चल रहा है 1300 से 2000 का। 1300 से 2000 और तो 700 का फासला हो गया फिर तो। हाँ बर्बाद भी होता है बहुत जगह, कई बार खबर आती है प्याज ज्यादा हो गया बिक नहीं रहा है तो फसल बर्बाद भी होती है। बिल्कुल पिछले साल था नुकसान था। इधर घूम जाओ ना, इधर घूम जाओ। और कई बार प्याज की कीमत जो बहुत ज्यादा हो जाती है कि पता चला प्याज अभी जो हो रहा था 200 पार प्याज, अब के भी था ये 2500 बिका था। एक मिनट आपसे हम बात करेंगे, रुक जाओ अभी। हाँ अब के भी ये 2500 बिका है। अच्छा अब डाउन आ गया कुछ? अच्छा तो जो ज्यादा कच्चा जा रहा है ना अब थोड़ा। नहीं जब महंगा प्याज हो जाता है, बवाल हो जाता है देश भर में कि प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, तो महंगाई का फायदा आपको मिलता है कि नहीं कि वो बीच का खा जाता है बिचौलिया? नहीं मिलता है ना आपको? मिलता है। ओके जो भाव रहता है वो सारा मिलता है। तो अभी कम है ज्यादा है? अब बीच का है, नहीं ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन जितने में आपकी लागत होती है उससे ज्यादा मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, मिल जाता है। किसी का फोन बज रहा है थोड़ा साइलेंट, मेरा ही बज रहा है, देखिए अब गड़बड़ हो गया ना, मेरा ही फोन साइलेंट घंटी बजा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता है, और ये महिलाएं हैं, इनके परिवार की बहू बेटियां हैं। और पांच भाई कौन लोग हो आप लोग? भाई कौन कौन आपके भाई हैं? अब ये मार दूसरा हर 500 तब उनका 500 का 15 हो रिया सी। तो अब परिवार तुम्हारा घणो बड़ो से। हाँ तो एक मिनट भाई साहब बैठो तो जरा, युवा हो बात करे जरा। तो अब ये बताओ कि तिजारा में इधर माहौल, बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ने आ गए हैं, और कांग्रेस से कौन है? इमरान खान। इमरान खान हम जानते थे लेकिन हम चेक कर रहे थे, और उसके बाद दूसरे लोग भी छोटे मोटे और भी कुछ होंगे। बीएसपी का भी उम्मीदवार आया होगा यहाँ, क्योंकि पिछली बार यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार संदीप ने जीता था सीट। ये संदीप ओसवाल नाम है बीएसपी का? हाँ, अच्छा आजाद पार्टी से है। हाँ आजाद पार्टी का ओसवाल है, है? कौन राम किधर से बोल रहे हो भाई? वो किस पार्टी? आजाद पार्टी, आजाद पार्टी से। और पिछली बार ये सीट यहाँ तिजारा की सीट जीती थी संदीप ने बसपा से। हाँ बसपा से। हाँ जी। और अलवर जिले में ऐसे 10 सीटों में 5 कांग्रेस जीती थी पिछली बार, अगर मुझे ठीक से याद है, 2 बीजेपी, 2 बीएसपी और ग्यारह सीट है, 2 बीएसपी, 2 बीजेपी, 2 निर्दलीय, 5 कांग्रेस। हाँ और बीएसपी सारी फिर चली गई, बीएसपी के जितने हैं सब कांग्रेस में चले गए, निर्दलीय भी ज़्यादातर चले गए। इस बार कांग्रेस ने संदीप यादव को टिकट नहीं देकर इमरान खान को टिकट दिया, और ये इलाका यहाँ मुसलमानों की भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है, अगर टोटल नंबर देखेंगे तो उसमें
इस इलाके में थोड़ी ध्रुवीकरण की गुंजाइश भी होती है, हिंदू मुस्लिम भी होता है इधर चुनाव में। इस बार भी फिर हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो जाएगा? है अब के तो किधर से आवाज आ रही ज्यादा है? अब के हिंदू मुस्लिम ज्यादा है। क्यों अब के हिंदू मुस्लिम ज्यादा है? वो एक दो ऐसे कांड हो गए ना, मुसलमानों ने घर में जैसे गुजरों के जाके उनको पीट दिया, फिर ऐसे ही मुसलमानों का एक गुजरों ने मार दिया, ऐसे बस बन गया माहौल। आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र चौधरी। तो आप लोग गुजर बिरादरी को? नहीं, जाट। अच्छा, आप लोग जाट बिरादरी? जाट है। अच्छा, चौधरी जी हो, जाट बिरादरी। जाट पॉपुलेशन कितना है, जाट आबादी कितनी है, जाट वोटर कितना है यहाँ है? क्या 8,000-12,000 जाट है? तो मुस्लिम लगभग 60,000-70,000 मुस्लिम है, यादव लगभग 55,000-60,000 है। तो यादव भी यहाँ, यादव और मुस्लिम लगभग बराबर है। और जो बालकनाथ हैं, महंत बालकनाथ, वो भी यादव हैं। यादव ही है ना? हाँ, वो भी यादव हैं। और वो रोहतक में एक पीठ है नाथ संप्रदाय का, उसके महंत हैं। 2019 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते, उसके पहले यहाँ जो 14 में जीते वो उनके गुरु थे, चांदनाथ नाम था शायद। उसके बाद उपचुनाव हुआ उनके निधन के बाद, बीच में कांग्रेस जीत गई थी। भारत तो अब बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताओ, एक मिनट, कान में बोल रहे हो, हमें बोल दो, हम भी सुन ले। हम तो अपने काम की बात कर रहे हैं। अच्छा, काम की बात कर रहे हैं, तो काम की करते रहो। तो ये बताओ कि इधर क्या चल रहा है, इधर चुनाव का कैसा चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है इधर? माहौल ये बालकनाथ का है। कैसे, थोड़ा समझाओ। समझा भाई। हमको सेंटर में मोदी चाहिए। सेंटर मोदी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ से जब जिताएंगे जभी तो आगे मिलेगा। अच्छा, जब मोदी काम बढ़िया कर रहा है सारा, क्या यहाँ से बालकनाथ करके लिगड़ेगा, हम ऐसे ही फिर वहाँ से आगे काम होंगे। जैसे 370 हटाइए, ऐसे ही धीरे धीरे बहुत काम हुए हैं, जैसे राफेल लाया है, कई बहुत काम हुए ऐसे। लेकिन ये बताओ, आप लोग खेतों में काम करते हो, तो आपको 370 से क्या फ़र्क पड़ा? 370 का ऐसे ही है कि पहले से वहाँ मुद्दा था कि तिरंगा नहीं पहराया जाता था, क्यों? अच्छा। फिर वो है तो भारत का ही छोटा ऐसा, वो तो वहाँ पे तिरंगा क्यों नहीं पहराया जाता? अब पहराया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी पहले मदरसा उदरसों में तिरंगा नहीं पहराते थे, अब सारे पहराते हैं। तो आपको तिरंगा और 370, अच्छा अच्छा। अब महंगाई और बाकी चीजें सब जो है, महंगाई गैस सिलेंडर महंगा, महंगाई नहीं है, गैस सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर कुछ कम किया 200। गैस सिलेंडर पे कांग्रेस राज में भी 800 में खरीदा था, अब 970 में खरीद रहे हैं, तो महंगाई कहाँ हुई है? 200। उधर अशोक गहलोत करे 500 में सिलेंडर दे रहे, कहाँ दे रहे हैं? हमको तो नहीं मिला अभी तक। अच्छा, एक बार भी नहीं मिला है? सिलेंडर नहीं मिला? मिला ही नहीं, 500 कत्ता ही ना मिला। कितने में लेते हो सिलेंडर? 11 से भरवाया। तो आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो राजस्थान में? सरकार क्या चाहिएगी, जो रहेगी वही। कहाँ आ तो गए बालकनाथ? बालकनाथ आ गए? अच्छा, है बालकनाथ नहीं देंगे? बालकनाथ को देंगे, क्यों ये तो बताओ। अब बालकनाथ में किम करेगा जब देंगे नहीं, हम तो कहीं नहीं मिला। हैं, क्या 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 बढ़िया काम करेंगे बताओ? बताओ बताओ। जाट लगभग 8-10,000 है शायद, है इतने ही होंगे ना जाट? हाँ यही है, 6,000 तो ऐसे लिखा होगा, लेकिन 8-10,000 मान लो, 7-8,000 ही होगा। तो क्यों बालकनाथ, ये बताओ। बढ़िया काम करेंगे भाई। क्या बढ़िया काम करेंगे? योगी ने बिल्डोजर चलाया है, योगी ने बिल्डोजर चला रखा है। अच्छा, तो बालकनाथ भी बिल्डोजर चलाएगा? अच्छा, बुलडोजर किस पे बुलडोजर चलाएगा? है गुंडोन पे। किस पे बुलडोजर चलाएगा? गुंडोन पे। गुंडोन शुरू से ही बीजेपी के गांव है, ये दो गांव है, जाट माड़ी और खलीरपुरी, स्टार्टिंग से ही बीजेपी का है, जब से हमने सूरत संभाली और बीजेपी के ही रहेंगे हम तो। अच्छा, सब बात है। हाँ हाँ, क्यों ये तो बताओ, क्यों का कोई मतलब नहीं होता? हाँ, जब हमारी पार्टी शुरू से ही है बीजेपी और बीजेपी रहेगी। ये आप इसी परिवार के हो? हाँ, एक ही परिवार के हैं ये सब। ओके, वो एक ही दादा की औलाद है, पापा हैं। अच्छा, आपके फादर जी हैं? आपके फादर है, तो आप भी? अरे गिर जाऊंगा, आप भी खेत? ओहो, बड़े काम कर रहा हूँ भाई, जमींदार हैं। हाँ, जमींदार हैं, खेत में ही काम करते हैं। हाँ, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग स्टार्टिंग से बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, शुरू से? शुरू से और आगे भी। हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ, पिछली बार भी वो बसपा से आया था संदीप, कोई हमने उसको टिकट नहीं दी, स्पष्ट बोलते हैं। हाँ,
हमने फिर भी बीजेपी को ही दी थी, हालांकि हार गई थी फिर भी हमारी बीजेपी। तो क्यों ये बताओ, समझना चाहते हैं। क्यों का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी है हिंदुस्तान में, ठीक है, हर जगह बचाव है। नहीं तो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ इन खेतों में आप थोड़ी देर पहले आते ना, आपको दिखा देते, इतना नुकसान है, इतना नुकसान है कि पूछो मत। हर चीज से ही है, यहाँ ऐसे गाय जाती है इनमें के निकल के खड़ी फसलों में से, हमको पता है इस चीज का। तो गाय का क्या, गाय रात में निकलती हैं, कट्टू कट्टू में जाती हैं इधर। अच्छा, हम तो कर नहीं रहे, हम तो ले जा नहीं रहे गायों को। पिछली बार 5 साल थी बीजेपी, एक भी नुकसान नहीं हुआ, एक पेड़ तक का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ ये प्याज पड़ी है, इनका पता नहीं सुबह मिले नहीं मिले, ये हालात है यहाँ। मतलब समझा नहीं, मतलब कोई प्याज चोरी चोरी का काम है और क्या, और क्या। ये अपनी बोरिंग है, इसमें से 3 बार स्टार्टर डोरी कट चुके हैं इस पिछली सरकार में। कोई कुछ लेना देना नहीं है, करते हैं केस, वो चलता रहता है, थोड़ा दिन उठा के ना 10-5 हज़ार रुपये दिए, रफा दफा सब कम। ठीक है, तो बीजेपी में तो भाई तिजारा में तो बीजेपी ही आएगी, क्लियर है ये, क्लियर। तो जो इसमें हिंदू मुसलमान पे वोट हो रहा है तिजारा में, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान मुसलमान भी बहुत से हैं जो सही हैं, वो बीजेपी को देंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन बीजेपी तो हारी भी तो पीछे। हाँ तो हारी है ना, भाई हार जीत तो देखो ये तो गेम है, गेम भी होगा तो उसमें भी हार जीत भी। तो आपको क्या लगता है बालकनाथ को क्यों यहाँ उतारा, एमपी है अलवर से, तो क्यों बीजेपी ने यहाँ उतार दिया? वो तो देखो पार्टी, पार्टी इतना बड़ा हमारा वो नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। चलिए जरा इधर आते हैं। वैसे आपको ये बताएं, ये बताएं कि जो यहाँ से संदीप दायमा जो पिछली बार यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, शायद 40,000 के आसपास उनको वोट आया था 2018 में, उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था अभी 3-4 दिन पहले, जब नामांकन था शायद उस दिन, जिस दिन योगी आदित्यनाथ भी थे, बाबा बालकनाथ। एक सेकंड, जाता है गलती, गलती इंसान से होती है, ठीक है, जानवरों से गलती नहीं होती। हो गई गलती, हो गई, मुंह से हो सकता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी एक शब्द मेरे मुंह से भी गलती निकल जाए, इसमें इतनी बड़ी वो नहीं। चलो वही मैं बता रहा हूँ, वही सही, उसने माफी मांग ली, लिखित में भी माफीनामा दे दिया, माफीनामा। तो उसके बाद तो उन्होंने संदीप दायमा ने मन से कह दिया था कि यहाँ पर इतने गुरुद्वारे और मस्जिद बन गए हैं जो नासूर की तरह हैं, इन्हें हमें उखाड़ फेंकना होगा। और जब इस पर काफ़ी बवाल हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी और जाके गुरुद्वारे में सेवा भी की, बालकनाथ ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन एक खास बात, माफ़ी में उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे का नाम स्लिप ऑफ टंग था, जुबान फिसली, दरअसल मैं मस्जिद और मदरसे कहना चाह रहा था। मतलब उस माफ़ी में गुरुद्वारे से उनको ये था कि गुरुद्वारा गलती से निकला, मदरसा और मस्जिद कहना चाह रहा था, इतने नासूर की तरह बन गए हैं, ये यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। तो ये भी तो गलत है ना, मदरसा और मस्जिद को भी नासूर बोलते हो किसी धर्म के, अगर उसका धार्मिक स्थल है उस पर भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, हम अगर मंदिर बनाते हैं, अब ये तिजारा में, तिजारा के हालात बता रहा हूँ मैं, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, ठीक है, मंदिर में आरती होती है तो ऑब्जेक्शन होता है, और अजान अगर मस्जिद में अगर अजान होती है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, छोटी जात है उनके ऊपर हो रहा है, तो ये तो सब देखो। लेकिन बहुत जगह तो दोनों तरफ से होता है ना, कहीं मस्जिद पे भी चढ़ के आदमी पताका फहरा देता है शोभा यात्रा में, रामनवमी में, दोनों तरफ से है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक के ऊपर डाल दें। बहुत जगह दिखते हैं रामनवमी शोभा यात्रा में, मस्जिद पे चढ़ जाते हैं लोग, चढ़ जाते हैं, पताका फहरा देते हैं, वीडियो वायरल होता है। बिल्कुल, तो जो लोग भी करते हैं वो गलत करते हैं ना, हिंदू मुसलमान पे क्यों चुनाव होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान का ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान का कहाँ चुनाव, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। नहीं, हिंदू मुसलमान वाले कहाँ, पिछली बार भी खड़े थे मुसलमान, ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है, ना तो बीजेपी रही ना कांग्रेस रही, वो बीच चले गए, वो बाद में पार्टी चेंज करता चला गया, वो बात अलग है। बाकी ऐसा नहीं है। ये बताओ, जैसे अशोक गहलोत सरकार कहती है कि किसानों के लिए बिजली फ्री कर दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया, बहुत तरह के स्कीम कर दिया, महिलाओं को परिवार की मुखिया महिलाओं के लिए कह दिया कि 10,000 देंगे, लैपटॉप की बात कर दी स्टूडेंट के लिए, मोबाइल की बात कर दी घर की बेटियों के लिए, ये सबसे कोई फ़र्क है कि नहीं आते जा रहा? पहली बात तो ये है कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 ही बंदे ऐसे होंगे जिनको ये आप बता रहे मोबाइल वगैरह। हमारा परिवार है, सिलेंडर 500, हमारा परिवार है, मैं बता रहा हूँ करीबन करीबन नहीं ज्यादा भी नहीं तो 400 आदमियों का परिवार है। हमने कोई मोबाइल नहीं लिया, ना ही हमें कोई दिया गया है, उस चीज से हमें कुछ नहीं है, कमाने से अपना पेट भरेगा, ये लेने देने से नहीं। गैस सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर वाला, और जो ये आप बता रहे हो कि बिजली फ्री, बिजली फ्री तो ये पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी तो वसुंधरा ने की थी, उसके बाद में आने बिजली स्टार्ट करिए, ये कांग्रेस ने किए हैं। ये बिल जो दोबारा आने स्टार्ट हुए ये कांग्रेस ने किए हैं। बीजेपी ने तो पिछली सत्ता में कर दिए थे बिल माफ, ठीक है, ये तो अब की बार इन्होंने किए हैं।
पिछली बार जब बीजेपी सरकार थी तो ये टोल फ्री थे बिल्कुल, राजस्थान में टोल फ्री थे, शायद आपको भी पता होगा इस चीज़ का। ये कांग्रेस सरकार आने के बाद में ये टोल टैक्स चालू हुए हैं। तो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी बहुत सारी योजना, चिरंजीवी योजना जैसे बताते हैं, 25 लाख का बीमा, बहुत जगह गांव में जा रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सब फायदा आप तक पहुँचता है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। कैसा भी फायदा नहीं पहुँचता, कोई भी कैसा भी फायदा नहीं पहुँचता यहाँ। या आपको चूंकि बीजेपी चाहिए इसलिए फायदा हो ना फायदा हो बीजेपी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फायदा हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए फायदा, ठीक है। हाँ भाई, एक मिनट, इधर आते हैं। अब मैं एक दो तीन महिलाओं से भी जरा समझे। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो आप? अशोक गहलोत को तो यो हाल आते हैं कि जब मुस्लिम मर गो तो 50 लाख रुपया, 50, और हिंदू कोई भी मर जाए 5 लाख रुपया। जैसे वो कन्हैया, जैसे कन्हैया वो उदयपुर वाले घर, कन्हैया को 50 लाख दिया, 5 लाख, 50 लाख, 5 लाख। गूगल सर्च करके इनको देखो, 50 लाख कन्हैया को दिया, उसके परिवार में 2 लोगों को नौकरी दी। गूगल सर्च करके नौकरी मिल गई? हाँ मिल गई, तभी मिल गई। अच्छा। और 2 लोगों को नौकरी मिली, 50 लाख ही कन्हैया को दिया। गला काट के चला जाते हैं, पकड़े भी गए, वो तुरंत पकड़े गए, वो 3-4 घंटे में। बात ये है दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र। राजेंद्र, ये व्हाट्सएप पर जो बहुत आता है ना, उसमें बहुत फर्जी भी होता है, गलत जानकारी होती है। जैसे मैं जा रहा हूँ राजस्थान में, बहुत जगह लोग ऐसे बताते हैं, जयपुर की जो घटना थी उसमें 2 बाइकों की आपस में हो गई, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, रोड रेज हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी तो 50 लाख की बात कहाँ पे आ गई उसमें? 50 लाख का कहाँ मुआवजा देने की जरूरत पड़ रही थी? उस पर आप सवाल एक उठा सकते हो कि वहाँ क्यों दिया। रोड एक्सीडेंट तो कितने ही होते हैं, कितने बड़े बड़े नुकसान होते हैं। अब जैसे इन्होंने पिछली बार चुनाव की बात आई थी, जब इन्होंने बोला था, नहीं नहीं, पांच मिनट, इन्होंने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, एक का भी किया? आप लोग का कर्जा यहाँ माफ नहीं हुआ? कहाँ पे हुआ है? सहकारिता वाला हुआ, बाकी नहीं हुआ या सहकारिता वाला? उन्होंने पूरा कर्जे की माफ कही थी, उसमें 5,000 रुपए माफ करके वो माफ करने में माफ करना थोड़ी होता है। कि जब बोला है उन्होंने कि 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में जिनका किसान का है कर्जा तो वो माफ हो जाएगा, तो 5-10 हजार रुपए किसी का माफ कर दिए किसी के कर दिए? हमारे तो किसी के नहीं हुए यहाँ पे। अच्छा ये बताओ भाई साहब, कर्जा माफ के लिए जैसे मान लो वादा किया था राहुल गांधी ने, और उस पर बहुत वाजिब है, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का माफ किया, बाकी जो नेशनलाइज बैंक था नहीं किया, क्या आप लोगों का भी कर्जा है? आप लोगों पर कर्जा है जो माफ नहीं हुआ? ना भाई देख, हमने तो लेना रखो, पर जिनने भी ले रखो, ऐसे किसी को कोई कर्जा माफ ना हुए, कोई कुछ ना हुए, कोऑपरेटिव का रहा ये बात, ये कोऑपरेटिव में तो हर बार होता है, जैसे फसल में नुकसान हो जाता है ब्याज माफी हर बार सी ही लग समथिंग ये है कि हर बार ही हो जाती है, वो भी सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक से तो सिर्फ 10% ले रखा है लोग बागों ने, KCC तो अदर बैंक से ही है, ठीक है, बाकी हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमने तो देखो ले नहीं रखा। अच्छा अभी एक सवाल और, आपका काम हो रहा है, देखो उधर प्याज यहाँ बोरे में रखा जा रहा, कट्टे में जाएगा मंडी में, मुख्यमंत्री किसको चाहते हो राजस्थान में? ये तो बोल दिया, बीजेपी सरकार चाहते हो मुख्यमंत्री? देखो मुख्यमंत्री तो वो तो पार्टी क्लियर करेगी, आप किसको बनाते, कौन नहीं है बालकनाथ को? आप अब तो बोल दो भैया, बोल नहीं आपके फादर हुए, वो तो देखो पार्टी के ऊपर, हमारे कहने से कौन सा बन जाएगा, बाकी बालकनाथ बन जाए तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी वो है? सही बात। इधर आते हैं जरा, एक मिनट इधर आओ, वोटर है ना आप लोग? हाँ। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? बोलने दो इनको, बोलने दो, बोलो। नहीं नहीं, आप किसकी सरकार चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात है, क्यों चलो, उन्होंने पीछे क्यों काम पहले ही बंद कर दिया। तो ये बताओ बीजेपी ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी ने सब काम बढ़िया किया? जैसे जैसे हम जैसे देता है ना सदा, बीजेपी बढ़िया काम कर, क्या क्या बताओ ना, भाई साहब इस तरह आप भी वोटर हो, तो क्या ऐसा काम किया जिससे लगता है आप? बहुत काम किया, जैसे बहुत काम किया है, जैसे तो बताते हैं, जैसे तो बता ही दिया ना पहले, अब बार बार बताने में आप अपना बताओ, सबसे समझेंगे ना तो सब। जो बड़ों ने बता दिया तो फिर छोटों को तो वो ही है, अब यो थोड़ी है। चलिए बहरहाल, तो ये तिजारा विधानसभा है, अलवर जिले की सीट है, जो राजस्थान में कुछ हॉट सीट है, VVIP सीट, उसी में तिजारा है, और मैं यहाँ से
अलवर से तिजारा की तरफ से होते हुए, बल्कि अलवर से नहीं, तिजारा की तरफ से होते हुए, अलवर होते हुए मैं जयपुर, टोंक, दौसा कहीं भी जाऊंगा, खेतों में ये मुझे किसान काम करते हुए मिल गए, आराम से चलना, तो मैं यहाँ आ गया। और तिजारा की राजनीति, तिजारा का जिक्र, तिजारा के उम्मीदवार का जिक्र, तिजारा के बालकनाथ का जिक्र राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हर जगह हो रहा है, और बल्कि मैं कहूँ तो पूरे राजस्थान में एक उम्मीदवार ऐसा है जिसका जिक्र न सिर्फ राजस्थान में बल्कि यूपी में और दूसरे जगह पे भी हो रहा है। राजस्थान में मेरा ये तजुर्बा रहा कि मैं चाहे जयपुर गया, चाहे सीकर गया, चाहे चुरू के आसपास के इलाके में था, जहाँ भी गया जो बीजेपी समर्थक हैं वो कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बालकनाथ चाहिए, 10 में से 5 यही बोल रहा है। वजह, बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह उन्हें लगते हैं या बालकनाथ में उन्हें योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। बालकनाथ की उम्र लगभग 39 साल है, लेकिन उसी तरह से भगवाधारी हैं, उसी तरह से हावभाव है, नाथ संप्रदाय के मठ के महंत हैं। और इसलिए आज मैं तिजारा के आसपास देख रहा था, जो चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें भी उसी तरह से योगी बाबा बालकनाथ को जिताओ जैसे नारे लग रहे थे। तो जो वोटर हैं बीजेपी के, हिंदुत्ववादी वोटर, खास तौर से वोटर थोड़े न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो उन्हें भगवाधारी बाबा में योगी आदित्यनाथ दिखता है, और इसलिए तुलनात्मक तौर पर कहते हैं जैसे यूपी में योगी हैं वैसे हमें बाबा चाहिए। तो ऐसे ही ये खेतों में आ गया जो भी इस समाज के लोग थे। और इसमें कोई शक नहीं कि तिजारा में जो मैं आबादी का अगर बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बताया, मुस्लिम लगभग 60,000, यादव लगभग 55,000, बाबा बालकनाथ यादव हैं गौर किया जाए। और बाजार में चलते हुए आसपास जो मुझे रास्ते में दिखे 2-4 लोग, उसमें यादव भी मोटे तौर पर बाबा बालकनाथ की बात करते हुए दिखे। हालांकि पिछली बार जो बीएसपी की जीत हुई थी, संदीप कुमार, वो भी यादव थे, पिछली बार जीते थे बीएसपी के टिकट पर। दलित लगभग 30,000 हैं, दलित वोट यहाँ बीएसपी को जाता रहा है तभी बीएसपी के टिकट पर जीते। इस बार क्या होता है, आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है, दलित किस तरह से रिएक्ट करता है देखते हैं, अगर कहीं दलित बस्ती में जा पाए। गुजर लगभग 15,000 हैं, महाजन 12,000, राजपूत 7,000, माली 7,000, जाट 6-7-8,000, ब्राह्मण 6,000। चुनाव में भी वक्त है, चुनाव प्रचार होगा, कैसे होगा। और बीजेपी तिजारा को एक तरह से राजस्थान की 200 सीटों में से एक सीट को एक प्रयोग के तौर पर भी बीजेपी देख रही है, इसी तरह से यहाँ प्रचार का तरीका भी अख्तियार किया जा रहा है। फिलहाल अब ये सब अपना प्याज पैक कर रहे हैं मंडी में ले जाने के लिए, हम चलते हैं किसी दूसरे इलाके की तरफ। नमस्कार।